73,650. राम राम भाई। अभी ना हम लोग देख रहे थे कि किस देश में कितने केस हैं, कितने रिकवर हो गए। चाइना के ना लगभग 81,000 केस थे, उसमें से 73,000 के आसपास वो लोग रिकवर कर चुके हैं, जबकि इटली 70,000 के आसपास होते हुए भी दूसरे नंबर मेडिकल फैसिलिटी, दूसरे नंबर और वो मेडिकल फैसिलिटी में है इटली, उसके बावजूद भी केवल 8,000 के आसपास लोग जो रिकवर कर पाए हैं। ऐसा क्यों भाई? अच्छी बात है यार, लोग रिकवर करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? जहां से बीमारी शुरू हुई है वो लोग रिकवर कर रहे हैं, बाकी लोग मर रहे हैं। और इतने बड़े अमाउंट में रिकवर कर रहे हैं वो। 80,000 में से यार 74,000 73,000 तुम्हारे 81,000 में से अगर रिकवर कर रहे हैं, दैट मींस आपके पास है ना वो दवाई, एंटीडोट है ना आपके पास। बिल्कुल, नहीं तो इतने बड़े अमाउंट में इटली नहीं कर पा रहा, नंबर दो हो के भी। ऑफ कोर्स, और वो कैसे कर पा रहे हैं? अभी नए जो केसेस हैं और नए क्या जो एक्टिव केसेस है ना चाइना में, 4,000 के आसपास रह गए हैं केवल वो, ठीक है, बाकी सब उनके केस में क्लोज हो गए हैं। कोई नहीं कर पा रहा रिकवर, जर्मनी नहीं कर पा रही है, ईरान नहीं कर पा रहा, चाइना कर पा रहा, कोई भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो भाई साहब बात तो सोचने वाली है, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि मेरे हिसाब से तो ना हमें जो भी लेन देन है चाइना के साथ आगे का बंद कर देना चाहिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। कुछ पैसों के लिए यार तुम पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हो। राम राम।